अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। बहुत सी तेज़ी वो गुफ्तगू करनी है, रात में बात नहीं कर सका। वज़ीर कानून ने बड़ी अच्छा वो कमाल की बात है, अजीब व गरीब सी मंतक पेश, यानी ये प्रॉब्लम मसला है कि वकील अगर सियासतदान बन जाए, अल्लाह ताला ये हाल ना करे कि आप अपनी पार्टी के प्यार में बेवकूफ़ बनाते रहें, झूठ बोलते रहें। उस सारे पे मैं बाद में बात करता हूँ। हमारे साथ एक जो सबसे अहम इशू है, इलेक्शन करीब है और इस इलेक्शन में इलेक्शन धांधली वोटर की स्टेज पे, वोटिंग की स्टेज पे कहाँ होती है, क्या शक्ल होती है। प्रोफेसर उस्मान जफर मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे, लेकिन मैं शुरू में आपसे दो तीन चीज़ें और कुछ आखिर में मैं आपके साथ जो मेन इश्यूज है गुजारिशात मैं करता चलूँ। पहले तो इमरान खान साहब तमाम पार्टी लीडरशिप से मिल के वो लगा लाइमल आ गया है, कोर्टों में जाना है, बिल्कुल 100% कोर्टों में जाना है, अदालतें आम है, बिल्कुल अदालतें आम है, तो उसी सिलसिले में क्या तरीक़ाकार है वो सारी डिस्कस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में वो सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। और जो जिस तरह इन्होंने शब खून मारा है, जिस तरह इन्होंने इनकी पामाली की है, उस पर फ़ौरन एक्शन लिए जाएंगे और उसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितना बेवकूफ़ बनाना है, झूठ बोलना, दहशतगर्दी का वाक़ आप जरा कंपैरिजन तो करके देखें आप, यानी ये छोड़ कर चले जाए ना, क्या जरूरत पड़ी है, निकालें आप, इस्तीफे दें, बात खत्म होगी। आप ही हैं जो बैठ गए या दहशतगर्दी ठीक कर सकेंगे, मोशन ठीक, आज इस्तीफा दें, पार्लियामेंट छोड़ें, आप छोड़ें पार्लियामेंट, निकल कर नए इलेक्शन हो, नए इलेक्शन में आए वो आगे देख लेंगे क्या करना है। यानी आप चिपक के बैठे रहे गूंद के साथ, समेत बॉन्ड के साथ, और आप कहें कि जनाब हम ही हैं सारा, आप कौन है भाई? जो तबाही आप लोगों ने आकर के ऑपरेशन रिजीम चेंज के बाद की है वो तो कौम भुगत रही है। डॉलर कहां से कहां चला गया, महंगाई कहां से कहां चलेगी, पेट्रोल पकड़ा नहीं जा रहा है, शर्म फिर नहीं आती आपको? वजह क्या है, वजह क्या? लूट मार का बाजार गर्म है और कोई पूछने वाला नहीं है आपको। मैं ज्यादा लंबी बातें नहीं करना चाहता, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप तक मैं सारे हालातों बात कर, लेकिन ये जंग अब रुकी नहीं है, ये जंग जारी रहेगी। इलेक्शन होकर रहेंगे, वक्त पर होकर रहेंगे, मामला अदालतों में जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो किरदार आपने असेंबलियाँ तोड़ने, इलेक्शन पोस्टपोन करने का और नई पोलिंग डेट का वो देख लिया, बदी थी सामने आ चुकी है, लेकिन बात यही नहीं है। असल जो बात है कि जो प्री पोल रिगिंग अपनी जगह, लेकिन जो वोटिंग स्टेशन पर रिगिंग होती है वो है क्या? हमारे साथ प्रोफेसर उस्मान जफर साहब मौजूद हैं, ये बता सकेंगे वोटिंग लिस्टों को एनालाइज क्या किया, क्या कहते हैं, क्या उनका तरीका कार है, ये समझाने के लिए चलते हैं उनकी तरफ। जी प्रोफेसर साहब जी, बहुत शुक्रिया आदर साहब, आपने इस अहम तरीन इशू के ऊपर मुझे बात करने का मौका दिया। देखें, बड़ी रिकॉर्डेड एक वीडियो स्टेटमेंट मौजूद है सबका प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शाहिद ककान अब्बासी साहब की, जिनका ये कहना था कि हर इलेक्शन चोरी होता है और हम सब रात PMLN इस चोरी के मास्टर्स हैं। अब बहसीत एक जमात और बहसीत एक इदारा जिसका नाम इलेक्शन कमीशन है और पाकिस्तान है, अब ये किस तरीके से इस सारे मामले पे किसी भी पसंदीदा जमात को ओबलाइज करता है, उसकी मदद करता है, आज हम उसके ऊपर बात करने के लिए आज़ीज़ साहब ने हमें मौका दिया और हम अपने नाजरीन को स्पेशली जो PTI या वो जमातें जो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकी आज तक, उनके लिए ये टूल कितना बेनिफिशियल साबित हो सकता है, इसके ऊपर हम आज इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से धांधली होती है और धांधली का फिर हमने तोड़ भी निकालना है। सिर्फ हम ये नहीं बता रहे कि बुखार है तो बुखार का इलाज भी हम बताएंगे कि होगा किस तरह। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताते चलूं कि इलेक्शन कमीशन मंजूर नजर जमातों के साथ किस तरीके से मिलकर दानिश्ता या ना दानिश्ता तौर पर इस सारे एक्टिविटी को प्लान करता है। ये बात शुरू होती है सर खाना शुमारी से। जब मर्दों शुमारी से पहले खाना शुमारी घरों को काउंट किया जाता है, तो इन्होंने जो पहला इनका थंब रूल था वो ये था कि अगर किसी घर के दो दरवाजे हैं, एक छोटा दरवाजा और एक बड़ा दरवाजा, उन दोनों में एंट्री डाल के किसी ऐसे इलीजिटिमेट बंदे की जिसका उस घर से, उस फैमिली से, उस मजहब से वाले बंदे से कोई किसी तरह का कोई ताल्लुक ना हो। एक मिनट जी, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से इनका पहला वार होता है कि जब घरों की खाना शुमारी होती है, ये इनका पहला वार होता है कि जहाँ पे वो धांधली करने का पहला स्टेप उसको उठाते हैं और किस तरीके से धांधली करते हैं, ये इसको प्री पोल रिगिंग और स्पेशली उस बुक के अंदर धांधली की जाती है जिससे इलेक्शन कराना मकसूद होता है, जिसको हम वोटर लिस्ट कहते हैं, जिसको ब्लॉक कोड कहते हैं।
दूसरा मरला आता है मर्दोशुमारी का। अब जब उन्होंने घर काउंट कर लिए होते हैं तब इनके पास ऐसे अफराद मौजूद हैं हर हल्के में, और इसमें पीपी के एक हल्के में साहब तकरीबन को 10-10.5 हज़ार का फिगर है पंजाब में, और जबकि सिंध में इससे ज्यादा है, और एनए में 20-25-30-35 हज़ार तक भी फिगर जा रही है, जहां पे इन लोगों ने इलेजिटिमेट वोटर्स को उन तमाम फैमिली के अंदर डाला है जिनका उन फैमिली से, उस वोटर से, उस खानदान से, उस मजहब के बंदे से, उस एथनिसिटी के बंदे से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं होता। तो सबसे पहले ये वॉर करते हैं ब्लॉक कोड के ऊपर। मान लीजिए कि घर में अगर हम 5 वोटर्स हैं, मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूं, मेरा ताल्लुक लाहौर कैंट से है, मेरे घर में 5 वोटर्स हैं, 18 के इलेक्शन में हम तमाम वोटर्स का, जो तमाम हमारे फैमिली मेंबर्स का वोट एक ब्लॉक कोड में था, 21 में जब बलदियाती इलेक्शन होता है कैंटोनमेंट के अंदर, तो हम 5 बहन भाइयों का, मेरे फैमिली मेंबर्स का, हम 5ों का ब्लॉक कोड चेंज कर दिया जाता है, विच मीन कि ब्लॉक कोड चेंज हुआ तो पोलिंग स्टेशन चेंज हुआ, पोलिंग स्टेशन चेंज हुआ तो मर्दों का वोट अलग गया, औरतों का वोट अलग गया, और मान लीजिए कि 5 वोट अगर एक ही संदूकड़ी में जाते तो वजन बढ़ता, अब उन्होंने अलग अलग कर दिया, इट मीन्स कि वो हमारी उस स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं जब वो ब्लॉक कोड चेंज कर देते हैं, नंबर वन। नंबर टू, जब ब्लॉक कोड चेंज होता है तो पोलिंग स्टेशन चेंज हो गया, अब अगला वार्ड होता है इनका कि उस बंदे का वार्ड, क्योंकि कंटोनमेंट में वार्ड होता है और सिविल एरिया में यूनियन काउंसिल होती है, अब वो यूनियन काउंसिल चेंज करेंगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वो आपका पीपी का हल्का चेंज करेंगे। यहां पर आपको क्विकली आपको एक फीडबैक देते चलो एक एग्जांपल के तौर पे, कि इलेक्शन था 17 जुलाई 2022 को, पीपी 158, पीपी 158 साहब कंप्राइज ऑफ है कंटोनमेंट के 3 वार्ड और बाकी गुलबर्ग और ये सारा एरिया। यहां पर जो सागर रोड है और डेली रोड है इन दोनों के अंदर हाल ही एक गली का फर्क है, तो पीटीआई का इमरान खान का वो वोटर जो सागर रोड पर रहता था उसको बकायदा एक तरतीब के साथ दिल्ली रोड के ऊपर शिफ्ट किया गया, एक गली का फर्क डाला गया, लेकिन ब्लॉक कोड चेंज कर दिया गया ताकि उस बंदे का वोट ना डल सके 17 जुलाई के इलेक्शन में, दो के अल्लाह ताला ने इमरान खान को जीत देनी थी वो हम जीत गए, बट आपको बताता चलो कि इस तरीके से भी वार करते हैं कि एक गली का फर्क डाल के आपका वोट उसी इलाके उसी मोहल्ले में रहता है लेकिन ब्लॉक कोड चेंज करके आपका वोट उस दूसरे हल्के में फेंक भी रहता है। तीसरा इनका चौथा वार्ड इनका वार होता है कि ये आपका एनए का हल्का चेंज करता है। मान लीजिए कि आपके ब्लॉक कोड के एतबार से, आपके एड्रेस के एतबार से, आपके बाकी सारी चीजों के एतबार से आप फॉल करते हैं एनए 123 डीएचए में, लेकिन आपका वोट फेंक भी रहता है एनए 127 के अंदर, जिसका ना तो आपका परमानेंट एड्रेस वहां का है ना आपका करंट एड्रेस वहां का है, बट वोट इनका फेंक भी रहता है। और क्योंकि हमारे यहाँ लोग वोट आखिरी दिनों में चेक करते हैं या जब घरों में पर्चियां आती तब चेक करते हैं, उस वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अपना वोट चेंज करा सकें, लिहाजा लोगों का वोट जाया हो जाता है, लोग इतनी दूर के इलाके में वोट डालने नहीं जाते। अगला वार होता है इनका आपका शहर चेंज कर देना, आपका एक शहर लाहौर है, लाहौर वाले बंदे का वोट फैसलाबाद डाल दिया, फैसलाबाद वाले का गुजरांवाला फेंक दिया ताकि आप वोट ना डाल सकें। अगला इनका स्टेप होता है कि आपका सूबा ही चेंज कर दिया जाए, अगेन पिछले इलेक्शन की मिसाल 17 जुलाई 2022 हल्का शरदपुर, जलील अहमद शरदपुर के बेटे का इलेक्शन, और वहां पर वोटर निकले थे साहब जिनका ताल्लुक घोटकी सक्खर और मीरपुर खास से था, उनके वोटर्स को यहां पे डाला गया और वो वोट डालने आए भी इनफैक्ट। अब ये किस तरह हुआ, इसको किसने प्लान किया, ये अब फिर लोग बात करते हैं कि इदारों की इज्जत होती है, इदारों की इज्जत नहीं होती, इदारों के फ्राइज होते हैं, अगर तो फर्ज अच्छे तरीके से निभाते रहेंगे तो उनकी इज्जत होती रहेगी, लेकिन अगर उसमें किसी भी तरह का कोई झोल होगा तो डेफिनेटली उसके अंदर वो मामला आएंगे। तो लास्ट जो इनका वार होता है वो होता है कि आपके जिंदा इंसान को ही मार दिया जाता है यहां पर, क्योंकि मुझे लिबर्टी असल असल दो बंदों के नाम लेने की, हमारे दोस्त हैं कर्नल रिटायर्ड चौधरी मोहम्मद अनवर साहब, सर वो 83 ईयर्स ओल्ड गए, उनको उनकी उनकी बीवी को उनके बेटे को जिंदा मार दिया गया सर। उन तीनों अफराद के नाम हमने जब पीटीआई ने 29 जून 2022 को ये पिटीशन फाइल की इलेक्शन कमीशन में तो उनका नाम हमने दिया था, और दूसरे साहब हमारे जो दोस्त हैं वो है जनाब सीमेंस के डायरेक्टर मेहदी हसन साहब, वो कराची से ताल्लुक है, वो लाहौर शिफ्ट हुए, उनको भी जिंदा मारा गया, हमने उनका भी रिकॉर्ड दिया। तो यकीन जानिएगा विद इन हाफ एन आवर सर, आधे घंटे में जैसे ही पिटीशन फाइल हुई इन दोनों अफराद को इलेक्शन कमीशन की तरफ से कॉल आई कि आपने हमारे खिलाफ कोई पिटीशन डाली है, उनका जी डाली है, मुबारक हो आप जिंदा हो गए आप जिंदा हो गए। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो मजे हुए सियासतदान हैं ख्वाजा साद रफीक, खुरम दस्तगीर वगैरह और ये सारे लोग,
ये इकट्ठे पोलिंग स्टेशन क्यों नहीं बनने जाते, जहाँ मर्दों और औरत का इकट्ठे, क्या वजह है? सर बड़ा ज़बरदस्त आपने इस क्वेश्चन पुट अप किया है। देखिए बेसिकली ये तीन जो मंझे हुए सियासतदान हैं गुजरांवाला और लाहौर के, बेसिकली इनका जो तरीका वारदात है वो ये है कि इनके मेजॉरिटी हलकों में स्लम एरिया ज़्यादा है। अच्छा, स्लम एरिए के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है अगर कंबाइंड करेंगे तो मर्द अपनी औरत को, अपनी वालदा को, अपनी बहन को साथ इकट्ठे ले गया है ना। अब अगर मान लीजिए कि अगर निषाद कॉलोनी में मेरा जो पोलिंग स्टेशन है वो निषाद कॉलोनी के एक कोने पे है और मेरी बीवी का किस दूसरे कोने पे बनाया जाएगा और मैं डाई हार्ट किस्म का वोटर नहीं हूँ तो मैं कभी भी अपनी बीवी को वोट डालने के लिए नहीं ले जाऊंगा। लिहाजा खवातीन का जो वोटर रेशो कम करने के लिए ऐसा किया जाता है प्लान, ताकि सिर्फ मर्द। अच्छा एक और बात बताइए मिसाल के तौर पर, अच्छा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट ये बड़ा सिलेक्ट कैसे करते हैं, कि चुनते कैसे हैं, कुछ सर्वे करते हैं? सर जबरदस्त, आपने नाम सुना सर जाकिर हुसैन सईद साहब, मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो एक टर्म इस्तेमाल करते थे जब वो कमेंट कर किया करते थे हॉकी में, मैन टू मैन मार्किंग। अच्छा एग्जैक्ट ऐसा होता सर। यहाँ पर मैं जो नहीं, क्या सर्वे करते हैं घरों घर जाते हैं? मैं उसका भी आपको बताता हूँ। इस सर्वे के साथ साथ पहला अमल होता है जहां पर पीटीआई लैग करती है। अच्छा वो क्या? वो है सर पोलिंग एजेंट की ट्रेनिंग। वो ये मानने वाली बात है, पोलिंग एजेंट पे मानने वाली बात है। पोलिंग एजेंट पे इनका पोलिंग एजेंट अपनी वो ब्लॉक कोड की लिस्ट शाम 5 बजे के बाद उसे जाया नहीं करता, उसे तलफ नहीं करता। वो जाके देखता है कि ये तो वोट मेरे थे जिनको मैंने काटा, ये जो दूसरे वोट थे दूसरी पार्टी के उनको मार्क कर लिए रहते हैं, फिर उन पे जाके एक्टिविटी होती है इलेक्शन के बाद। अच्छा मान लीजिए सर 2013 का इलेक्शन, आपको मैं जीती जागती मिसाल आपको उसे समझा सकूं। हामिद खान साहब ने टोटल 67 पोलिंग स्टेशन जीते 2013 में, एन 125 था डीएचए कम वाल्टन। इलेक्शन आ गया सर 2015 में बलदियाती कंटोनमेंट का, तो जो जितने पोलिंग स्टेशन जीते थे उनमें से दोबारा पीटीए सिर्फ 7 जीत सके सर। वो क्या हो जाए? वही मैन टू मैन मार्किंग वाले। अच्छा, कितने लोग वोट उठा के फेंक देते हैं उस हलके में से? सर वोट भी फेंक देते हैं, दूसरा उनके ऊपर पूरी मार्किंग होती है कि इन वोटर्स की वजह से हम लोगों ने ये पोलिंग स्टेशन हारा था, इनको डिस्टर्ब किया जाए। अगेन मैंने आपको कहा क्योंकि हम लोग 11th हार गए, इसको रोका कैसे? छोड़ें आप आते सर इसको रोकने के हवाले से। देखिए सर हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक ऐसा पोर्टल बनाया है, एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जो किसी भी उम्मीदवार के, चाहे वो पहली मरतबा इलेक्शन लड़ रहा हो या वो एक रिवायती सियासतदान जो कितने सालों से इलेक्शन लड़ता आ रहा हो, उनके लिए हमने एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल बनाया है जो कि आपकी प्री इलेक्शन और ड्यूरिंग इलेक्शन की तमाम तरह सर्विसेज को पूरा करता है। अच्छा मान लीजिए सर कि आपने क्या वो यानी वो जो आपका पोर्टल है वो क्या आपके वोट नंबर से आपको सारा वो डाटा तो पड़ा हुआ नादरा के पास, वो कैसे करेगा? वो बेसिकली हम उसको एक्सेस को छीन देते हैं कि एक उम्मीदवार जैसे अभी मान लीजिए कि हमने 30 अप्रैल को इलेक्शन लड़ना था लेकिन जो रात को शब खून मारा गया और इलेक्शन अगर ये थोड़ा सा डिले होता है, पोस्टपोन होता है, पोस्टपोन नहीं होता, थोड़ा सा डिले कह सकते हैं आप, लेकिन हमने पोस्टपोन ही इसको होने देते हैं। तो मान लीजिए अगर ये डिले होता है तो हमारे पास, हमारे उम्मीदवार के पास टाइम है कि अगर वो ये समझता है कि लाहौर के टोटल हलके 30 हैं, 30 में से पीटीए ने जीते 8, 22 हलकों के अंदर हमारा जो मार्जिन है हार का उसको आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर लें कि हम कितने कितने हजार वोटों से आ रहे हैं। अगर इन वोटों को हम उन पर्टिकुलर इलिजिटिमेट वोटर से रिप्लेस कर दें, निकाल दें, तो आपकी हार का मार्जिन खत्म, आप इलेक्शन जीत सकते हैं। नंबर 1 बड़ा साइंटिफिक तरीका है सर। दूसरा इसके अंदर पार्ट आ गया सर हमारी बरादरी का। अच्छा ओवरऑल लाहौर हो या कराची हो, आज हर बंदा इलेक्शन जब लड़ता है तो कहता है जी मेरे पास बरादरी का इतना वोट है। अब वो बरादरी का वोट है कितना, वो हम आपको साइंटिफिकली दिखा सकते हैं कि जनाब यहाँ पे मेमन इतने तो बट इतने, जट इतने तो जाट इतने, तमाम का एक इसके अंदर मौजूद है। तीसरा सर इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रीच, ब्रीच और स्पीच, मतलब आपने एक वोटर तक रसाई पहले करनी किस तरह है, उसको तबलीग करनी किस तरह है, और फिर उसके बाद उसका अपना वोटर बनाना किस तरह, ये भी पार्ट मौजूद है सर कि हम आपको हर वोटर तक उसके टेलीफोन नंबर के साथ एक्सेस दे सकते हैं। बिल्कुल सही। और टेलीफोन नंबर में भी सर वो पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज का जो बच्चा है उसके पास डिजिटल फोन है और पुराने 70 साल वाले बाबे के पास आज भी 33-10 बटनों वाला फोन है, ये भी आइडेंटिफिकेशन आपको दी जा सकती है कि ये आप कैसे करेंगे। तो जिस बंदे ने भी इलेक्शन लड़ना है आज के दौर में,
जैसे पूरी दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, इसी तरीके से आपका जो इलेक्शन है इसको भी डिजिटल किया जा सकता है और कर दिया हमने। आप हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया जाएगा, लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, आपने इसे देखना हो तो ईच एंड एवरीथिंग इसमें डिटेल मिलेगी कि आपको प्री इलेक्शन चार सर्विस। नंबर वन, आपको बोगस वोट की डिटेल मिल जाएगी, आपको बरादरी का जो डाटा है वोटर्स का वो मिल जाएगा, आपको टेलीफोन नंबर की एक्सेस मिल जाएगी, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आपको अपने वर्कर की लाइव लोकेशन, सर वर्कर आगे आपका यहाँ बैठा टेलीफोन से कनेक्ट होगा तब मिलेगा ना जी बिल्कुल। आप तक कोशिश थी कि सियासी बातें जो है ना आपके साथ बहुत करने वाली हैं। इलेक्शन इंशाल्लाह थोड़ा सा पोस्टपोन जरूर हुआ है लेकिन होके रहेगा। प्लानिंग इनकी अगले साल की थी, एक साल असेंबलियां बढ़ानी थी, वो नहीं बढ़ सकेंगी, वो जाके इन्होंने अगस्त के जब असेंबलियां खत्म होनी थी तब एक साल के लिए, तो ये वाला थोड़ा बहुत आगे जाने का काम है। कुछ कह रहे हैं जी अक्टूबर जान के डेट दी है कि उससे पहले अगस्त में या सितंबर में इलेक्शन हो सकें, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। पहले तो निगरान हुकूमत फारग हो, उसके बाद देखेंगे। इजाजत चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।